ये सारा ही अंदर होगा। सड़ जाऊंगा गर्मी में, भून जाऊंगा आज मैं भट्टी में। तो एप्पल ने अभी अपने नए आईपैड लॉन्च करे हैं, आईपैड प्रो M4 और आईपैड एयर M2। हमने ले लिया भाई अपना आईपैड एयर M2 क्योंकि पैसे कम थे, तो इस बार अपने आईपैड की थिकनेस कम कर दी, फ्रंट कैमरा अपना लैंडस्केप पे लगा दिया, एप्पल पेंसिल प्रो आ चुकी है भाई इसके साथ, और M2 चिपसेट में तो अपग्रेड कराई है, और भी बहुत कुछ किया है इसके अंदर। और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो निकाला था जिसमें इसके कुछ फीचर्स वगैरह भी बताए थे, और उस वीडियो में काफी सारे डाउट्स आए, तो आज वाली वीडियो में सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे अपने आईपैड का बॉक्स आगे पीछे देख लो और खोले इसे। आईपैड ही नहीं है, आईपैड यहाँ है, यूज कर रहे हैं यार इतने दिन से, तो क्या ही डब्बे में बार बार रखना। तो इसके अंदर कुछ किताबें मिलेंगी एप्पल की तरफ से, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सी, और कोई स्टिकर हमें नहीं मिलता, एक टाइप सी टू टाइप सी वाली ब्रेडेड केबल जो कि काफी तगड़ी लगती है, एंड एक मिलता है हमें 20 वॉट्स का पावर अडैप्टर जो आईफोन के साथ एप्पल नहीं देता। पैसे कमाने की बस कोशिशें हैं जो एप्पल करता रहता है। बाकी कुछ ऐसा आता है अपनी एप्पल पेंसिल प्रो का डब्बा, और इसे अगर बाहर निकाले, इसके अंदर भी ऐसे ही डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और भर भर के कागज है, बट स्टीकर के लिए पैसा बचाया जा रहा है। और इसके अंदर ये रही अपनी एप्पल पेंसिल भी नहीं है, पेंसिल ये रही गाइज, ऐसे चिपकी पड़ी है। तो ये अपनी एप्पल पेंसिल प्रो, और यहाँ देख सकते हो भाई ने तुम्हारे कस्टमाइज कराई है चैनल के नाम, गड़वा दिया नाम बिल्कुल एकदम, रोला मच जाना चाहिए शहर में। तो ये रहा अपना आईपैड पर्पल कलर में, पर्पल या फिर लेवेंडर टाइप की शेड कह सकते हो, काफी ज्यादा लाइट पर्पल है, पर सही बताऊं तो भाई मुझे काफी सुंदर लगा ये कलर, कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा। और इसमें हमें चार कलर ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग, जो जिसको पसंद हो वो खरीद सकते हो। बाकी भाई अगर डिजाइन की बात करें ना, तो बैक साइड पे हमें सेंटर में मिलता है एप्पल लोगो, नीचे लिखी है आईपैड एयर की ब्रांडिंग, और उसके नीचे छोटे छोटे कनेक्टर दे रखे हैं जो कीबोर्ड को अटैच करने के काम आएंगे, पोगो पिन जैसे कनेक्टर है। और अपना जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है ये वर्टिकली प्लेस कर रखा है, और उसके जस्ट नीचे मिलता है एक माइक्रोफोन, फ्लैश कुछ नहीं मिलती। बाकी टॉप पर एक लॉक अनलॉक का बटन है, दो हमें ग्रिल्स मिलती है ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड बिल्कुल एकदम प्लेन है भाई, कुछ नहीं है। नीचे की साइड भी दो स्पीकर ग्रिल मिलती है, और सेंटर में टाइप सी पोर्ट, और राइट साइड पर वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन, और एक मिलता है मैग्नेटिक कनेक्टर अपनी एप्पल पेंसिल के लिए, चिपकाते ही कनेक्ट हो जाती है इसके साथ, और चार्जिंग भी शुरू कर लेती है। बाकी ओवरऑल अपने आईपैड का जो डिजाइन है वो बॉक्सी है, बट इस बार काफी ज्यादा पतला कर दिया, साइड बाय साइड मेरे आईफोन 12 से कंपेयर करो भाई, फोन इससे ज्यादा मोटा लग रहा है भाई, 6.1 mm की थिकनेस कर दी है इसकी, और जो आईपैड प्रो है उसके अंदर तो भाई 5.1 mm तक लेगा ये, मतलब इतना पतला करके कहां जाओगे यार, मैं तो कह रहा हूं बैटरी बढ़ा दो इससे बढ़िया। बट ओवरऑल भाई अर्गोनोमिक है एकदम, ऐसे हाथ में रखते ही फील आ जाती है एकदम कि हां तुमने कोई महंगी चीज ले रखी है। तो मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया कोई कवर सजेस्ट करो आईपैड एयर M2 के लिए, और ये वाला कवर देख सकते हो मैंने खरीदा ऑनलाइन, वैसे काफी हल्का सा कलर है बट क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, सिलिकॉन टाइप कवर है ये, बट ये स्मूथ सिलिकॉन मटेरियल में आता है, तो ऐसे कोई हाथ में चिपकता विपकता नहीं है, एंड क्वालिटी वाइज काफी सही लगा मेरे को। एंड अगर फिट करके देखे तो यहाँ पर काफी आराम से फिट हो जाता है, एंड यहाँ पर हमारे एप्पल पेंसिल की भी जगह दे रखी है, ऐसे करके हमारी एप्पल पेंसिल लग जाती है, एंड यहाँ देखो बताओ कितना बढ़िया सेटअप बन जाता है, और पेंसिल को निकालने के लिए यहाँ पर जगह दे रखी है, ऐसे यहाँ से हाथ मारो पेंसिल बाहर आ जाती है, एंड यहाँ वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन दे रखे हैं जो कि देखो आराम से मैं दबा रहा हूँ तो काफी सही काम कर जाते हैं। एंड ये चारों तरफ बेजल्स देखो, काफी कम बेजल्स है हमारे पास, ऐसे प्रीमियम फीलिंग देता है भाई, आईपैड 9 जनरेशन में तुम्हें नहीं आएगी ये तो है। अब डिस्प्ले इतनी ज्यादा तगड़ी है तो व्यूइंग एंगल्स वगैरह में भी कोई दिक्कत आती नहीं है, एकदम हर जगह से बिल्कुल सही व्यू आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास आती है 11 inches की एक LED IPS डिस्प्ले, 2360x1640 का रेजोल्यूशन है, 500 nits की ब्राइटनेस है, एंड इस पर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी कर रखी है, ऐसा लगता है कि जैसे ब्राइटनेस कम कर दियो, आउटडोर वाउटडोर में भी यूज करोगे तो फर्क दिखेगा, तो आउटडोर के हिसाब से भी अच्छी खासी ब्राइट है, मतलब कुछ देखने में दिक्कत आती नहीं है, और रिफ्लेक्शन वैसे कम आती है बट अगर तुम्हें कोई स्क्रीन गार्ड लगा लोगे तो वो जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है उसका काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें नॉर्मल डिस्प्ले की तरह ही लगेगी, बिना उसके यूज करने में डर लगता है क्या करें। बाकी डिस्प्ले के कलर काफी ज्यादा तगड़े हैं क्योंकि इसमें व्हाइट कलर P3 है, सेम जो अपने मैकबुक्स के अंदर आता है, तो बेसिकली अपनी जो डिस्प्ले है ये कलर एक्यूरेट है, अगर तुम ऐसे फोटो एडिटिंग वगैरह या फिर ड्रॉइंग बनानी हो एकदम रियल कलर्स चाहिए तो सब मिलेंगे। ओवरऑल मुझे डिस्प्ले में भाई कोई कमी नहीं लगी, बट हाँ मैं एक चीज कहूंगा कि 50-60 हज़ार के टैबलेट के हिसाब से ना 60 Hz तो रिफ्रेश रेट एक्सपेक्ट नहीं करेगा, अब इसमें 60 Hz आता है बट आईपैड OS की वजह से वो 60 भी काफी स्मूथ लगता है, पर यार देखो एप्पल से मेरी क्या ही रिक्वेस्ट करूं, मेरी कौन तो सुनेगा। थोड़ा रिफ्रेश रेट बढ़ा देना चाहिए भाई, एटलीस्ट 90 Hz तो कर दो यार, तुम्हें भाई चाह रहे हैं 90 Hz दे दो। बाकी डिस्प्ले के अंदर HDR भी सपोर्टेड है, तो YouTube पर आराम से 4K 60 HDR वाली वीडियो चल सकती है, सपोर्टेड है, बट हाँ Netflix या Prime Video पर मुझे HDR कहीं पर भी नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा बहुत ट्राई करा, एंड Netflix की वेबसाइट के हिसाब से भी बताऊं तो एयर के अंदर HDR सपोर्टेड नहीं है, प्रो वाले iPads के अंदर सपोर्टेड है ऐसा Netflix का कहना है, तो आई गेस इसीलिए मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, जबकि देना चाहिए था भाई, 50-60 हज़ार का iPad है, हद होती है, क्या पता अपडेट के साथ बाद में मिल जाए। एक सबसे तगड़ी चीज मुझे ये लगी कि अपने इस वाले iPad के अंदर
डिस्प्ले शेयर का सपोर्ट है, मतलब इस टाइप सी वाले पोर्ट से भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो एंड वायरलेसली भी डिस्प्ले शेयर कर सकते हो एयर प्ले के थ्रू। वायरलेसली अगर करते हो तो मैक्सिमम 4K डिस्प्ले का आउटपुट ये दे देता है एंड वायर्ड आउटपुट लोगे तो अप टू 6K तक तुम आउटपुट ले सकते हो, 60 FPS तक आई गेस हो जाएगा। एंड हाँ, मैंने हायर रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर पे कनेक्ट करा तो भी 60Hz से ज्यादा का आउटपुट नहीं मिलता है, बाकी मैक्सिमम 6K रिजोल्यूशन तक डिस्प्ले शेयर हो सकती है वायर्ड आउटपुट के थ्रू। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर इसके अंदर हमें दे दिया है M2 चिपसेट, 8 कोर का CPU है जिसके अंदर 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर मिलते हैं हमें एंड GPU इसके अंदर है 10 कोर्स वाला और M1 के कंपेयर में देखें तो 2 कोर बढ़ा दिए GPU के अंदर और RAM इसके अंदर हमें मिलती है 8GB की, लेकिन कौन सी DDR है वो कहीं मेंशन नहीं कर रखा। पर जैसे MacBook में M2 चिपसेट आता है तो उसके अंदर LPDDR5 वाली RAM होती है 6400 MHz की, तो हो सकता है मे बी इसके अंदर भी सेम RAM ही डाल रखी हो। और अपने पास जो iPad है इसके अंदर स्टोरेज 128GB की है, बाकी 1TB तक तुम जा सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार अगर मोटा पैसा ले रखा है तो। और हाँ, एक्सपेंडेबल नहीं है, एक बार ले लिया तो बस ले लिया। एंड कनेक्टिविटी के लिए इस बार वाईफाई 6E कर दिया है एंड ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला सौदा है। सेल्यूलर का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा, वो मुझे ना इतना सा काम का नहीं लगता क्योंकि ना तो इसमें व्हाट्सएप डाल सकते हैं ना ही इसमें फोन की ऐप मिलती है, कॉल तो कर नहीं पाओगे तो बस नेट चलाने काम आएगा। बाकी मुझे इसका कैमरा बहुत ही जबरदस्त लगा भाई, फ्रंट और रियर कैमरा दोनों 12 MP के मिलते हैं इसके अंदर, फ्लैश नहीं दे रखी जो कि मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार रुपए के टैबलेट में होनी चाहिए थी। बाकी मैंने कुछ फोटो सैंपल्स लिए हैं इसके कैमरा से, फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से तुम देख सकते हो। बाकी क्वालिटी वाइज बताऊं तो आईफोन के कैमरा को टक्कर तो देता है भाई एंड ओवरऑल कलर्स वलर्स भी काफी ज्यादा सही निकल के आते हैं। टैबलेट के हिसाब से ओवरकिल है इसका कैमरा, मतलब सब चीजें तगड़ी करा देगा। 4K 60 तक वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है एंड स्लो मो में 1080-240 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी कैमरा के अंदर स्लो मोशन वीडियो, फोटो, स्क्वायर, पैनो और टाइम लैप्स तक भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 2x तक डिजिटल जूम भी सपोर्टेड है इसमें, और भी ज्यादा जूम करना है तो 3x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो लेकिन डिजिटल जूम होता है। तो फ्रंट में भी काफी सही बनाता है भाई क्वालिटी वाइज एंड 1080p 60 तक फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी HDR भी सपोर्टेड है इसके अंदर, लेकिन फोटोज के अंदर सपोर्टेड है बट वीडियो के अंदर HDR काम नहीं करता। कैमरा सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर हम इन सारे फ्रेम्स पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, PAL फॉर्मेट्स भी सपोर्टेड है एंड वाइट बैलेंस वगैरह लोग भी कर सकते हैं, यहाँ से स्लो मोशन सेट कर लो एंड ये सारी सेटिंग कैमरा के लिए हमें मिलती है इसके अंदर जो हम कर सकते हैं इसमें। तो ये भाई आउटडोर का वीडियो सैंपल 4K 60 के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ, क्वालिटी देख सकते हो कैसी है एंड अगर जूम करते हैं तो कैसी हो जाती है आउटडोर के अंदर। क्वालिटी कुछ भी कहो भाई, आईफोन जैसे लेवल की क्वालिटी है इसकी। फ्रंट कैमरा की वीडियो का सैंपल है, माइक भी इसी का यूज हो रहा है और मैं HD 60 यानी 1080p 60 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देख सकते हो स्मूथनेस काफी सही है भाई। और ये एक वीडियो भाई भागते हुए ले रहे हम, देख लो भाई कैसी स्टेबिलिटी है आईपैड की अपने। वैसे ये सारे काम आईपैड से कोई नहीं करता भाई। तो वैसे तो एप्पल ने इसके अंदर 4 छेद दे रखे हैं, मतलब 4 ग्रिल्स हमें मिलती है बट इसमें से स्पीकर अपने 2 ही है। अगर ऐसे लैंडस्केप व्यू में देखे जो कि एक सीधी ओरिएंटेशन है तो अपने नीचे वाले ये 2 स्पीकर्स काम करेंगे बट इसको तुम ऐसे रोटेट करके भी यूज कर सकते हो तो फिर वो ऊपर वाले बन जाएंगे, मतलब 2 ही स्पीकर ग्रिल्स जो हैं उनमें आवाज आती है। मजे ले लो भाई, मजाक से हट के भाई स्पीकर्स 2 है लेकिन काफी लाउड है और अच्छी खासी बेस भी हमें आ जाती है तो स्पीकर्स की क्वालिटी तुम्हें बढ़िया ही मिलेगी। बट स्टिल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 4 स्पीकर इस बार दे देते तो अच्छा रहता भाई, क्योंकि iPad Pro में 4 आते हैं और वो भाई बहुत बढ़िया आवाज निकालते हैं। और एक खास चीज जो मैंने सिर्फ iPad में ही नोटिस करी है, जैसे अगर तुम पोर्ट्रेट व्यू में इसे चलाओगे तो जो अपने वॉल्यूम बटन है ये वाला अपना ऊपर वाला होगा एंड ये वाला वॉल्यूम डिक्रीज करने का होगा बाय डिफॉल्ट, बट अगर तुम इसे लैंडस्केप व्यू में ले आओ तो अभी जिससे हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे उससे अब वॉल्यूम डिक्रीज होएगी भाई देखो, एंड जिससे डिक्रीज कर रहे थे अब उससे इंक्रीज होएगी। तो ये ऐसे लाइक सेंस कर लेता है कि तुमने किस ओरिएंटेशन में रखा है, उस हिसाब से ये एक्ट करते हैं जो अपने बटन्स है, जो कि काफी एक यूनिक चीज है जो सिर्फ आईपैड में ही होती है भाई, एंड्रॉइड में मैंने अभी तक तो नहीं देखी। होए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। तो अगर अपने iPad की परफॉर्मेंस की बात करें, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, कॉलेज रिलेटेड तुम्हें हल्के फुल्के काम करने होते हैं, प्रेजेंटेशन बना दी, मल्टीटास्किंग करनी हो और हल्के फुल्के ब्राउजिंग ब्राउजिंग करनी हो, ये सब हल्के फुल्के काम करने हैं, इन सब के लिए तुम 50-60 हज़ार फूकने को तैयार हो तो ये सब करा देगा भाई M2 चिपसेट है, टेंशन मत लो। और लास्ट वीडियो में ना मेरे पास कोडिंग से रिलेटेड कमेंट आए थे, iPad में कोडिंग कर सकते हैं, कोई भी टैबलेट ना कोडिंग नहीं करवा सकता, करवा भी देगा तो वो इतना ज्यादा काम की चीज नहीं है ना। गाड़ी से अगर तुम ट्रक वाले काम करवाओगे तो वो कैसी होगा, मतलब प्रोग्रामिंग लैपटॉप्स के लिए ही बनी है क्योंकि उसी के अंदर तुम सारे रिसोर्सेस तुम्हें अवेलेबल मिलेंगे और सारा काम उसी पे ही होता है भाई। अगर प्रोडक्टिव होना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, M1 चिपसेट के अंदर मेरी वीडियो ये वाली एडिट हो जाती है बड़े आराम से, और सोचो इसमें तो M2 है भाई एंड एप्पल के हिसाब से ये 50% ज्यादा तगड़ी है M1 के कंपेयर में। तो मैंने कुछ Geekbench 6 के बेंचमार्क करे, साइड बाय साइड देख लो कितना फर्क है M1 के कंपेयर में। सिंगल कोर के अंदर हमें 8-9% का बूस्ट मिलता है, मल्टी कोर में अच्छा खासा डिफरेंस है 22% के आसपास, बाकी भाई GPU के अंदर तगड़ा डिफरेंस है क्योंकि 2 कोर फालतू है ना, 27% का डिफरेंस हमें मिल जाता है।
अब सबको ऐड कर दे तो 50% तो हो जाएगा। कहीं एप्पल यार ऐड करके तो नहीं बता रहा था, बाकी एंटीटू बेंचमार्क के अंदर हमें ये स्कोर मिल रहा था। तो भाई पावरफुल है, मतलब अंधा पावरफुल है, किसी भी एक नॉर्मल 50-60 हज़ार टैबलेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी तुम गेम भी कहीं पर भी इंजॉय कर सकते हो, मैं हाईवे पे खड़ा होकर गेम खेलू या गाड़ी के अंदर बैठ के गेम खेलू। एंड पबजी से रिलेटेड बहुत कमेंट आए थे, तो पबजी टेस्ट करके दिखाते हैं। चलो फिर भाई, मार 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 सोना, अरे बोरा साइड में मार, उसे मार। तो भाई अब इसका गेम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। भाई M2 चिप डाली है एप्पल ने, बंदूकें चला के देखते हैं। तो पहले हम कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर मैक्सिमम तक का हमें प्रीसेट मिलता है और मैक्सिमम पर हम वेरी हाई तक सेटिंग्स कर सकते हैं, और अगर मैक्स करते हो तो फिर ये ऑटोमेटिकली हाई पे चला जाएगा। तो मतलब अगर FPS ज्यादा चाहिए तो फिर हाई पर ही खेलना पड़ेगा, बाकी मैक्स सेटिंग्स पर वेरी हाई पर हम खेल सकते हैं। तो अब इसी पे ही खेल के देख लेते हैं भाई। तो इस प्रीसेट पर भी भाई बिल्कुल एकदम स्मूथ 60 FPS वाला गेम प्ले मिल रहा हमें। अब क्योंकि डिस्प्ले 60Hz है तो 60 FPS से ज्यादा तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेंगे, बट गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है भाई। एक तो स्क्रीन इतनी बड़ी है ना, क्या ही बताऊं, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी तो भाई मजाक की तरह चलाता है अपना M2 चिप। भाई कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आ रहा है, जीत के भाई साहब। तो अब हम Asphalt 9 खेल रहे हैं और यहाँ पर ग्राफिक्स का कोई ऑप्शन नहीं था, बट हाँ फ्रेम रेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ 60 पे कर दिया। ग्राफिक क्वालिटी के लिए भाई कोई ऑप्शन नहीं दे रखा इन्होंने। ओ भाई भाई क्या मस्त चल रहा है यार, बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। आईपैड के अंदर तो यार क्या ही परफॉर्मेंस आ रही है, एकदम बिल्कुल एकदम तुम यूं समझ लो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जैसे गेम चलता है ना, बिल्कुल एकदम सेंसिटिव, और क्या ही एकदम 60 FPS वाला मजा दे रहा है यार। अब देखो तुम्हारा भाई जीत के दिखाएगा। अरे बेटे ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे तुम्हें, बस एक बार और, एक बार और ये भाई तुम्हारा फर्स्ट आ चुका है भाई, ऐसी थोड़ी ना, तालियां बजवा दो शहर के अंदर। तो हम BGMI खेल रहे हैं और BGMI के अंदर यहाँ पर हमें ग्राफिक्स के अंदर अल्ट्रा HDR का ऑप्शन मिलता है भाई अपने टैबलेट के ऊपर, एंड अल्ट्रा HDR पर मैक्सिमम अल्ट्रा वाले फ्रेम रेट पर हम खेल सकते हैं। और बाकी अगर तुम्हें एक्सट्रीम का प्रीसेट चाहिए तो वो हमें बैलेंस पर मिल जाता है एक्सट्रीम का प्रीसेट, बाकी अल्ट्रा HDR पर खेलेंगे आज। और एक्सट्रीम HDR अभी कमिंग सून दिखा रहा है ये, बाकी ये भी काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है देखने पर तो यार। मतलब जो हाईएस्ट सेटिंग पॉसिबल होती है वो हमारे iPad में अवेलेबल है BGMI के अंदर। ओहो चमक देख रहे हो भाई साहब, देखो भाई चल तो स्मूथ रहा है गेम। अब अल्ट्रा के अंदर जो तुम्हें FPS मिलते हैं सेम वैसे ही मिल रहे हैं, अगर 60 FPS चाहिए तो एक्सट्रीम पर खेलना पड़ेगा। बाकी यार क्वालिटी देखो ग्राफिक्स की, यार भाई क्या ही क्वालिटी आ रही है, मतलब एक तो बड़ी स्क्रीन ऊपर से इतनी बढ़िया क्वालिटी, खेलने में भाई अलग ही आनंद आ रहा है। शेडोज वेडोज देखो ना कितनी क्लियर है भाई, अल्ट्रा HDR की ग्राफिक्स भाई टॉप नॉच है, कुछ भी कहो। मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं 4K में गेम खेल रहा हूँ भाई। चलो भैया सर्कल में चलो, भागो भागो भागो, उतरी भाई बंदे यहाँ पे। iPad के स्पीकर में एक चीज है भाई, हैप्टिक्स वाला फीडबैक देते हैं जैसी कुछ आवाज आती गोलियों की, मतलब ऐसे पता चल जाता है काफी हद तक तो स्पीकर से एक ही गोलियां कहाँ चल रही है। अब यहाँ के यहाँ आसपास झाड़ियों में बंदे छुपे हुए हैं जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो मुझे पता है मरने वाला है हम। हो रहा लो जी, एक की तो बत्ती बन चुकी है, चलिए आगे चलते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे बेटा तुम्हें, लूट गया दिल मेरा, लूट गया चैन भाई। लिटरली अगर तुम गेमिंग के लिए इसे प्रेफर कर रहे हो ना तो आंख बंद करके ले लो, इतने तगड़े लेवल के गेम खिला देता है ना एकदम मस्त वाले प्रीसेट पे, और क्वालिटी तो यार बढ़िया आती है, ऊपर से बड़ी स्क्रीन एकदम चार चार इंगली वाला 4 finger क्लो कर दो भाई साहब BGMI में, स्वाद आ जाएंगे। मतलब गेमिंग के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कितने FPS आएंगे, वैसे भी 60 FPS से ज्यादा मिलेंगे नहीं क्योंकि 60Hz का डिस्प्ले है इसके अंदर। UI की बात करें तो iPad है, iPadOS मिलता है हमें, एंड करंटली देख सकते हो 17.5 पे चल रहा है। बाकी अपडेट्स की टेंशन लेना मत क्योंकि एप्पल है, 5-7 साल तक तुम्हें तगड़े अपडेट आते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के, अभी तक पुराने iPads में अपडेट आ रहे हैं। एंड iPadOS को मैं वन ऑफ द मेन रीजन बोल सकता हूं जो iPad को स्टैंड आउट करता है किसी भी एक दूसरे टैबलेट से, क्योंकि अभी भी ना एंड्रॉइड इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है टैबलेट्स के मामले में जितना iPadOS अपना ऑप्टिमाइज है। स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉइड काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका है, बट टैबलेट्स के लिए अभी इतना ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ है कंपेयर टू iPad। एंड एप्लीकेशंस ही देख लो भाई तुम, भर भर के iPad के लिए अलग अलग तगड़ी तगड़ी एप्लीकेशंस आती है, जैसे कि कुछ क्रिएटिव एप्स अपनी प्रो क्रिएट, स्केचबुक, गुड नोट्स, अब इनमें से कई एप्स अपनी एंड्रॉइड में भी आती है बट ऑप्टिमाइज्ड है ये काफी ज्यादा iPadOS के हिसाब से, और बढ़िया एकदम सीमलेस काम करती है। पर एक चीज मुझे सबसे बुरी लगती है iPad के बारे में कि इसके अंदर अभी तक iOS 17 तक ना ही WhatsApp है और ना ही कैलकुलेटर की ऐप है, जो कि भाई बिना किसी रीजन के गायब है, मतलब कोई रीजन है नहीं एप्पल के पास इसका कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाकी अभी रिसेंटली एप्पल ने बोला था कि iPadOS 18 जो इस साल आने वाला है उसके अंदर कैलकुलेटर
लेटर तो आ जाएगा, अब व्हाट्सएप कब आएगा भाई उसका कुछ नहीं पता। बाकी जेस्चर्स इतने बढ़िया है ना इसके साथ आते हैं जो मस्त मस्त। जैसे अगर तुमने कोई ऐप खोल रखी है तो ऐसे पिंच डाउन करो, होम स्क्रीन आ जाएगी, चार फिंगर से राइट स्वाइप करो, रीसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, एंड एप्स में शिफ्ट करना हो तो वो भी ऐसे हो जाएगा बिल्कुल एकदम ऐसे फैल जाओ, अपने हाथ को फैला दो इसके ऊपर एंड पूरे हाथ से ऐसे पिंच करके रोकोगे तो सारी मल्टीटास्किंग वाली एप्स दिख जाएंगी। बाकी यहाँ से स्प्लिट व्यू ले लो एंड कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लो, ये देखो दो दो ऐप सीमलेसली चलेंगी, साइज वाइज भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड और कोई ऐप अगर इंसर्ट करनी हो ना तो वो भी ऐसे उठा करके ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दो यहाँ पर आ जाएगी, एंड अगर ऐसे यूज करोगे तो और भी बढ़िया है। अभी एक छोटे आईफोन की तरह चलेगा, देखो इसको ऐसे रिसाइज भी कर सकते हो, उठा भी सकते हो, ये देखो यहाँ से अगर हम देखें तो चेंज भी हो जाएंगी मल्टीपल एप्स, भाई ऐसे चलती रहती है और साइड में उठा के फेंक दो और फिर वापस से चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। तो बहुत सारी एप्लीकेशन पर सीमलेसली काम कर सकते हो, एंड यहाँ पर जो अपनी आईफोन वाले फॉर्मेट में जो ऐप चल रही थी वो दिखा देगा। बाकी यहाँ पर हमें एक स्टेज मैनेजर का भी ऑप्शन मिलता है, अगर इसे एनेबल कर दोगे तो अब अपना आईपैड मैकबुक बन चुका है गाइस। देखो यहाँ पर साइड में एप्स आ गई जैसी मैकबुक में आती है, ऐसे यहाँ पर यूट्यूब खोलो, सफारी खोलो, कुछ भी खोलो, मस्त एकदम सीमलेसली तुम्हें डेस्कटॉप वाली फीलिंग आएगी। और अगर इसे एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस अटैच करके यूज करोगे तो पक्का तुम्हें लैपटॉप वाला मजा आएगा। इसके अलावा आईपैड ओएस के अंदर हमें एप्पल इकोसिस्टम को भी भरपूर साथ मिलेगा। और जब मैंने इसे पहली बार सेटअप किया था तो भाई इसने ऐसे स्कैन करने को बोला, एंड डायरेक्टली जैसे ही मैंने आईफोन से स्कैन करा भाई सारा का सारा डेटा इसके अंदर एज इट इज ट्रांसफर, एप्पल आईडी भी अपने आप साइन इन हो गई, सारे वाईफाई आ गए मेरे, सारे नोट्स, रिमाइंडर्स, मतलब हर चीज जो सेटिंग तुम करते हो ना अपने आईफोन में सारी की सारी एज इट इज आईपैड में ट्रांसफर हो गई, तो खुद से मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। बाकी इसके अलावा जो कॉपी पेस्ट डिस्प्ले वगैरह शेयर करना अपने एयरप्ले से या फिर साइड कार के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि मैक से डायरेक्टली आईपैड जो है वो अपनी सेकंड डिस्प्ले बन जाती है, लिटरली वायरलेस एक्सटेंडेड डिस्प्ले बन जाती है, और इसको तुम काफी जगहों पर यूज कर सकते हो। अगर लाइक तुम एडिटिंग वगैरह भी करते हो अपने लैपटॉप पर तो इसे प्रीव्यू के लिए यूज कर लो, और काफी सीमलेसली काम करती है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर लैग आता है। बाकी आई क्लाउड से जो अपने डिवाइसेस एप्पल के सारे सिंक होते हैं और भी बहुत सारी चीजें एप्पल इकोसिस्टम में, तो भाई पूरी वीडियो ला सकते हैं, कोशिश करूंगा लाने की, कमेंट कर देना चाहिए तो। बाकी मुझे पता है तुम इस पेंसिल का वेट कर रहे हो। तो इस वाले आईपैड के साथ हमें सपोर्ट मिलता है एप्पल पेंसिल प्रो का, एंड एक एप्पल पेंसिल यूएसबी सी वाली आती है उसका भी मिलता है। जो सेकंड जेन वाली एप्पल पेंसिल आई थी उसका सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, तो हमने पेंसिल प्रो ले लिया, स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के 12,000 की थी 11,000 में मिल गई, मतलब 1,000 का डिस्काउंट हो गया, और चैनल का नाम भी गढ़वा लिया इसमें बिल्कुल बढ़िया वाला। तो इसमें ना कई सारे कूल फीचर्स दिए हैं एप्पल ने, जैसे कि स्क्वीज करने पर क्विक टूल्स आ जाते हैं, और इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि स्क्वीज करने से क्या क्या चीजें आएंगी। बैरल रोल का फीचर दिया है, जैसे एक रियल पेन को तुम घुमा सकते हो ना और अलग अलग शेप्स ले सकते हो, तो अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क करता है उसके लिए तो बहुत सही चीज है भाई। अगर ऊपर से होवर करते हो तो चीजें हाईलाइट हो जाती है। तो सेटिंग्स के अंदर एप्पल पेंसिल में आओगे यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जो हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ स्क्वीज करने से क्या होगा, अगर यहाँ पर हम कोई शॉर्टकट लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। अभी जैसे मैंने ओपन अमेजोन लगा रखा है, तो मैं जैसे ही इसको स्क्वीज करूंगा ये देखो अमेजोन की ऐप ओपन हो गई, तो यहाँ पर जाकर कोई भी शॉर्टकट तुम इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर जो भी लगे। तो यहाँ से ओपन ऐप के अंदर हम कोई भी ऐप असाइन कर सकते हैं जो स्क्वीज करने से ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। बाकी भाई इतनी सारी चीजें हैं क्या ही बताऊं। एंड यहाँ पर पेंसिल जेस्चर भी मिलते हैं बॉटम लेफ्ट वाले, अगर हम ऐसे करेंगे तो स्क्रीन शॉट क्लिक हो जाएगा, बॉटम राइट से स्वाइप करेंगे तो क्विक नोट्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पर कुछ भी भाई अपने हिसाब से कर सकते हो, ड्रॉ व्रो अगर क्विकली कुछ करना है तो। बाकी ऐसे डबल टैप करने पर भी एक अलग सा हैप्टिक फीडबैक देती है ये, और उसके अंदर हम टूल्स में स्विच कर सकते हैं, जैसे पेंसिल से इरेजर चाहिए हो या फिर कुछ भी, तो मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है इस पेंसिल के साथ इस आईपैड की। अगर ये नहीं ली ना तो मतलब तुम अपने आईपैड को सिर्फ आधा यूज कर रहे हो, आधी चीजें तो करनी बाकी है भाई। बाकी जो नॉर्मल पुरानी एप्पल पेंसिल में आते थे अपने फीचर्स, प्रेशर सेंसिटिविटी, टिल्ट सेंसिटिविटी, क्रिबल एंड पाम रिजेक्शन वगैरह सब सपोर्टेड है। एक शब्द में बोलूं तो अगर तुम कोई आर्टिस्ट या ऐसे ड्रॉइंग व्रोइंग के शौकीन हो तो भाई एप्पल पेंसिल प्रो तुम्हारी लिए मतलब वरदान है भाई। पुरानी पेंसिल्स भी तगड़ी थी, ये वाली कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है, इससे ऊपर मार्केट में आया ही क्या है, तुम खुद सोचो ना। एंड हाँ, अगर कोई कंफ्यूज है कि यूएसबी सी वाली ले या फिर ये, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे प्राइस में आ जाती है वो 6,000-7,000 रुपए में, तो उस वाली के अंदर ना प्रेशर सेंसिटिविटी, टिल्ट सेंसिटिविटी और ये मैग्नेटिक चार्जिंग वाला फीचर ये सब सपोर्टेड नहीं है, और भी जो मैंने एक्स्ट्रा फीचर्स बताए जो पेंसिल प्रो में है वो उसमें नहीं है, तो वो सिर्फ नोट वोट्स बनाने के ही काम आएगी। अगर तुम्हारा सिर्फ उतना ही काम है तो वो भी अच्छी चॉइस है, ले सकते हो भाई, ये तो है ही तगड़ी चीज। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे कि भैया कोई थर्ड पार्टी पेंसिल अगर हो तो बताना। अभी मैंने ना रिसर्च करा अमेजोन पे तो मुझे कोई पेंसिल M2 के साथ कंपेटिबल नहीं मिली। पुराने वाले एयर के लिए तो काफी सारी पेंसिल है, बट इसके लिए अभी तक कुछ आया नहीं, तो मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं किया। बाकी जब आ जाएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। एंड हाँ, अगर आईपैड हमारा बंद है ना तो भी अगर तुम डायरेक्टली पेंसिल को डिस्प्ले पे ले जाओगे तो यहाँ पर हमारा नोट्स वाला फीचर अवेलेबल हो जाएगा, तो इनकेस ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ लिखना है तो वो भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली पेंसिल यहाँ पर ले जा करके। बाकी बैटरी इसके अंदर हमें 28.93 वाट आवर की मिलती है, और अगर MAH में कन्वर्ट करें तो कुछ 7800 MAH की हो जाती है। एप्पल का कहना है कि ऑलमोस्ट तुम्हें लगातार अगर देखते हो तो 10 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा, मतलब वीडियो प्लेबैक। पर मैं सही बताऊं पूरा दिन कोई यूज नहीं करता जनरली आईपैड, थोड़ा बहुत यूज करते हैं बीच बीच में, तो तुम्हारा 2-3 दिन तक भी बढ़िया इसकी चार्जिंग चल जाएगी। मेरे यूज केस में तो चल गई क्योंकि मैं कैजुअली यूज करता हूं, बट लगातार
चार्ज भी करोगे तो 10 घंटे चली जाएगा, तो आई गेस ठीक है बैटरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट से चार्ज करोगे इसे तो 3 घंटे के आसपास ले लेगा ये फुल होने में, क्योंकि बैटरी भाई अच्छी खासी बड़ी है यार। तो मुझे लास्ट वीडियो में काफी सारे डाउट्स मिले थे, तो पहले उन सबका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। बट यार M1 अभी भी कुछ 50,000 रुपए में आराम से मिल रहा है, और ये नए वाला M2 है 60,000 रुपीज का। तो इसके अंदर काफी डाउट है लोगों को कि भैया 10,000 रुपए हम एक्स्ट्रा लगाए इस पे या नहीं, क्योंकि वर्थ होगा या फिर नहीं। देखो प्रोसेसर डेफिनेटली इसके अंदर हमें बेटर मिलता है, वो मैंने दिखा भी दिया परफॉर्मेंस में, और इसमें हमें ज्यादा स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ये 128GB का है तो 1TB तक तुम जा सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ 64GB का बेस वेरिएंट था, और उसके अलावा सिर्फ 256GB, जो कि मुझे इतना ज्यादा वर्थ लगता नहीं है, क्योंकि उससे बढ़िया फिर इसकी तरफ ही जाना सही है। बाकी उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा पतला कर दिया, एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट आ चुका है, कैमरा हमारा लैंडस्केप हो गया, और भी जो चीजें थी वो मैं बता चुका हूँ। तो ये सब अगर तुम्हारे लिए मैटर करता है ना, तो ही तुम्हें इसके लिए जाना चाहिए, नहीं तो M1 वाला आईपैड भी अभी टू गुड है भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर सी हैं। मैंने अगर सच बताऊं ऐसे ही कलर में M1 रखा होता ना अपने हाथ में, तो तुम्हें पता भी ना चलता कि मैंने M1 ले रखा है या M2, बस कलर का फर्क देख करके एप्पल ऐसे सच साबित करवा देता है। या फिर अगर थोड़ा भी अगर बजट पुश कर सकते हो ना, तो आईपैड प्रो M2 80,000 के आसपास अभी उसका प्राइस चल रहा है, वो काफी ज्यादा वर्थ है, क्योंकि सिमिलर चिपसेट लेकिन 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले, दो पीछे कैमरा, लाइडार स्कैनर के साथ फ्लैश भी मिल जाएगी उसमें, मतलब प्रो लेवल की हर चीज उसमें है। बस पेंसिल प्रो का सपोर्ट नहीं आएगा, एंड मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी डील भी नहीं है। एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन में भी सारी चीजें ऑलमोस्ट हो जाती है, बस जो नई 2-3 चीजें आई हैं ऐसे हैप्टिक्स वाली वो नहीं है बस। तो अगर तुम्हारा पहला आईपैड होने वाला है तो तुम डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, या फिर मैं यही कहूंगा अगर बजट कम है तो आईपैड 10 जनरेशन भी आईपैड का एक्सपीरियंस लेने के लिए काफी सही है, एंड इवन जो 9 जनरेशन है वो भी, बट 9 जनरेशन मुझे थोड़ा पुराना डिजाइन लगता है तो मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। आईपैड 10 जनरेशन बिल्कुल एकदम नए तरीके का आईपैड है, तो उसे प्रेफर कर सकते हो, और अब तो उसका प्राइस भी सस्ता हो गया, तो आराम से तुम्हें 30,000 के आसपास ऑफर लगा के मिल जाएगा। बाकी एंड्रॉइड टैबलेट के साथ कंफ्यूज हो तो भाई उसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि अगर अभी बात करी तो ये वीडियो 30 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी। एंड काफी लोग स्टूडेंट डिस्काउंट के बारे में भी पूछ रहे थे, फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5,000 का स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है अपनी स्टूडेंट वाली आईडी से। तुम 60,000 का आईपैड 55,000 में खरीद सकते हो डायरेक्टली एप्पल की वेबसाइट से या फिर एप्पल के स्टोर पे जाकर के, और जो दूसरे रिसेलर्स होते हैं उनका अलग डिस्काउंट रहता है, तो वो भाई जाकर के पता करना पड़ेगा, और प्राइसिंग चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब जो हम वीडियो लाने वाले हैं तगड़ी तगड़ी, उनके लिए सब्सक्राइब करना चाहो तो करके जाना, और बेल आइकन भी ऑल कर देना। हम मिलेंगे ऐसे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।